नमस्कार, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। सत सकाळ आउ गोटे फ्रेश एपिसोड को स्वागत करछि मु कमलाकांत। मो सहित अछन्ति नमस्कार मु चिन्मयी। तबे कमलाकांत, आमे अनेक गुड़िए खबर कागज रो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही जहाँ विषय आलोचना करवा जमी प्रत्येक दिन आलोचना करूँ। आज खबर गुड़िक प्रथम नजर पकाबा जे कौन से खबर गुड़िक खबर हूँ वर्षक 400% वृद्धि ऑनलाइन रे जौन शोषण मामला जहाँ वर्तमान समस्त चिंतार कारण पलटि ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। आ सहित रही शक्ति प्रदर्शन कले 30 युद्ध विमान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लोकार्पण कले मोदी, ये आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। या सहित तो कमलाकांत रही खास करी जदि देखा जे तीन ओडिया पारा बैडमिंटन खेलाड़ी सुरक्षित तो। उगान रे सीरीज बोमा विस्फोरण होता एवं से तीन ओडिया पारा बैडमिंटन खेलाड़ी सुरक्षित तो रही। ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर एवं या सहित तो स्मार्ट सिटी जुमला योजना गोटे आउ कम गोटे पुरस्कार पाइबा को बहु प्रकल्प कम बेल को टंका ना एभली एक खबर रही। या सहित तो रही बेआईन पहाड़ ब्लास्टिंग को लगाम ना, ये खबर बारंबार प्रसारण होते सुधा एथप्रति प्रशासन किंवा सरकार दृष्टि ना। एक मसर अशिखिनाती आदिवासी छात्र छात्री जेहेतु 21 मास धरी स्कूल बंद रही से समय रे आदिवासी आदिवासी श्रेणी छात्र छात्री किछि पाठ पढ़ी नाहंती बोली जहाँ खबर रही। कमलाकांत प्रथम खबर उपरे कमलाकांत आम नजर पकाइबा जे प्रथम खबर हिसाब रे आम नौचे स्मार्ट सिटी रो खबर को नौचे जे अनेक प्रकार योजना करा जाउछि किंतु वास्तविक भाव रे से योजना गुड़िक सठिक भाव रे काम करा जाउनी जेउथि पई कि अनेक समय आम देखीचे जे सरकार सब बेले पुरस्कार पाउछंती जे प्रथम देश रे प्रथम प्रचार करा जाउछि सबु थरे प्रथम पुरस्कार पाइबा प्रकल्प करा जाउछि किंतु प्रकृत स्थिति कौन ये जो खबर टी प्रकाश पाई स्मार्ट सिटी जुमला योजना गोटे काम आ गोटे एक कथा निहाती भाव में चिन्मयी एक कथा को पदार पकाउछि जे प्रकृत रे स्मार्ट सिटी रो प्रकल्प केते आगे छि निसे काई ना एति पई जे भुवनेश्वर पई प्रस्ताव थिला 81 टी प्रकल्प कमलाकांत आ हेइ छि 28 टी होई छि। राउरकेला पई प्रस्ताव थिला 56 टी प्रकल्प हेइ छि 8 टी। जून रे बंद हेबो स्मार्ट सिटी एसपीवी पुरस्कार पाइबा को बहु प्रकल्प काम बेल को टंका रे कथा आछि जे स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता रे भुवनेश्वर देश रे एक नंबर स्थान हासिल कला बोली चारिआड़ प्रशंसार छुआ सुआ छुट्टी एवं द्वितीय राउंड रे जेते बेले राउरकेला को स्मार्ट सिटी मान्यता मिलला सेते बेले श्रेय नेबा को दुई प्रमुख राजनैतिक दल बीजेडी और बीजेपी आगे आसिले स्मार्ट सिटी योजना चूड़ांत रूप पाइले भुवनेश्वर बार्सी लोना सान फ्रांसिको सहर भले दिसिबो सेही सहर गुड़िक जो सब सुविधा मिलूँ एठारे उपलब्ध हो योजना दायित्व थिबा अधिकारी कही बुलिले। विडम्बनार कथा होची जे स्मार्ट सिटी योजनार 6 वर्ष पर भुवनेश्वर बार्सिलोना सहर भले दिसिबा दूर कथा निजर पुरुणा सौंदर्य भी हर बसी ए बाबद आलोचना करवा आम सहित जोड़ी भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू जोड़ी। चिन्मयी खास करी भुवनेश्वर पर जो सब प्रस्ताव आसाला 81 प्रकल्प कथा कह किंतु वर्तमान काम चली 28 बाकी प्रकल्प नबार असुविधा क्योंठी रहा एवं खास करी देखुचे जे भुवनेश्वर को सौंदर्यकरण करवा आड़े प्रत्येक दिन रास्ता गुड़िक किभली भाव में खोला जाउछि जोंतिपई लोके तो असुविधा रो सम्मुखीन होउछन्ति सहर मध्य पुरुणार बा पुरुणा सुंदरता को हराई बसिलाणि। निहाती भाव में चिन्मयी गोटे कथा कहीपर कि स्मार्ट सिटी को एक नंबर करने कौटि ना कौटि बीएमसी आगपर देखा कि कौटि ना कौटि सबुथे फेल मारी जोटि 82 प्रकल्प हाँपी जहाँ योजना करपर्यंत मात्र 28 प्रकल्प कार्य आरंभ हो चली जी कह प्रत्येक दिन रास्तार संप्रसारण करने लक्ष्य दैनिक जी कह रास्ता को खोल जा पानी कथा जदि कहे रास्ता कथा जदि कहे स्वास्थ्य सेवा कथा जदि कहे कौटिना कौटि बीएमसी सबुथे फेल मारूचे आम देखुचे जदि वाटर एटीएम कथा कहे जो आमर टॉयलेट ई टॉयलेट कथा कौटिना कौटि सबू क्षेत्र में बीएमसी फेल मारी कि बीएमसी जहाँ आशा करुच्ची स्मार्ट सिटी एक नंबर अवार्ड मिल आज पर्यंत जिते वर्ष धरी बीएमसी कम जारी रखी कौटी रास्ता अधापंतरिया पड़ी तो कौटी ड्रेनेज प्रॉब्लम देखा मिलूँ वर्षा दिने जदि कहवा भुवनेश्वर कथा विभिन्न अंचल कृत्रिम बन्या सृष्टि होची पानीर प्रोब्लेम देखा जाउछ खरा दिन कथा जदि कहबा भुवनेश्वर एमती केते बस्ती अंचल अछि जोटि स्वच्छ पानीय मुदे मिलुनी जोटि साधारण मौलिक सुविधा गुड़िक राजधानी बासिंदा को मिलुनी सेठी बीएमसी जो कहुची कि नारा दउची कि आमे स्मार्ट सिटी एक नंबर हेबू एवं
सारा देश रे एक नंबर अवार्ड पाइबो एटा गोटे हास्यास्पद कथा कोठी ना कोठी बीएमसी निजो काम रे कोठी ना कोठी पछरे पड़ी जाई छी जहा फल रे जोठी 82 प्रकल्प होबा कथा सेठी एपर्यंत 28 प्रकल्प होई छी चिन्मय आमे आशा करबा कि बीएमसी आकु देखि चेतु एवं जो प्रकल्प गुडी को बाकी पड़ी छी बा काम आरंभ होनी ता जथा शीघ्र आरंभ हो देखा चिन्मय जमी आप कहते एक नंबर है जोरदार प्रचार करागला सबुथेरे स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर आगुआ एक प्रचार करागला सेत भी जो जहाँ भी किसी प्रकल्प था तार जदि देखा आम सैकल कथा देखा कि भाव में मो सैकल अवस्था रही अन्य प्रोजेक्ट कथा भी जमी मो बस भी तो ये सब जो प्रचार कर ठीक था केवल ना परिवर्तन करा जाउछि जहाँ मूल थिला ताकू मध्य ठीक भाव में कार्यकारी करा जाउनि तो एटा गोटे ओडिशावासी कथा कहतु भुवनेश्वरवासी और राउरकेलावासी सहित एटा गोटे सरकार को खेल निहाती भाव में कारण प्रचार ठीक अच्छे प्रचार करंतु किंतु काम करंतु तापर प्रचार करंतु कारण यही रिपोर्ट ही कहूँ जे पुरस्कार पाइबा केवल प्रचार करा जाउछि किंतु 81 टी प्रकल्प रु जदि 28 टी वर्तमान कार्यकारी होउछि एवं कार्य चली कहूँ जे प्रकृत रे स्मार्ट सिटी रो काम केते आगौछि निहाती भाव में कमलाकांत जी कह कौटी ना कौटी बीएमसी तार अपारगता देखा कारण जी कह टॉयलेट ई डस्टबिन जिते सब नुआ नुआ टेक्नोलॉजी आणुची केवल भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी करने लक्ष्य किंतु कौटी ना कौटी बीएमसी या प्रति ठीक से यार रक्षण बक्षण हो पारे कौटी तो गोटे समस्या रोचे जहाँ फल जो योजना गुड़िक ठीक भाव में कार्यकारी कौन भावुंजे समस्या कौन होता है कारण समय मिललानी सरकार को यह सब कार्यकारी करने ना अर्थ मिललानी जदि कह तो जहाँ आम डाटा रखुंत कि अर्थर अभाव थिला एवं जो जदि समय कथा कहुच्छी तो रास्ता कम आरंभ होती ना कौटी एत समय लगुच से रास्ता कम सरुनी गोटे गोटे नुआ नुआ योजना नुआ नुआ प्रकल्प पर दिन कु दिन रास्ता खोला चलुची जदि कह जनपद कथा पखापाखी छस रु ऊर्ध समय हो गला जनपद एपर्त रास्ता कम सरी पारुनी कौटी ना कौटी समय से बीएमसी कथा जदि कह बीएमसी जी कौच कि अर्थर अभाव अच्छी समय अभाव अच्छी केवल परस्पर को दोषारोप करदे समस्या समाधान होता नुहे आंतरिकता ना कारण समय एवं अर्थ ना ये केवल आल कारण बारंबार एने नंबर वन स्मार्ट सिटी कथा कहते किंतु केमिति नंबर वन हम एवं से नहीं कि जो आंतरिकतार सह कम करते बोध आज भुवनेश्वर 50-60% स्मार्ट सिटी दृश्य कम सरी जाता स्मार्ट सिटी भोध लगी था कि दिनकू दिन ये निजर सौंदर्यता हरा भुवनेश्वर सहर बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपंकर तमाम सूचना चिन्मय परवर्त खबर पर नजर पकड़ा जदि देखा काली निहाती चिंतार समस्त पड़ जाते जो उगांडा विस्फोरण होता कारण से ओडिया खेलाड़ी रही थे भारतीय खेलाड़ी रही थे जो बैडमिंटन खेलाड़ी रही थे सेमान को नहीं कि समस्ते चिंतित थे किंतु खुशी कथा हो सौभाग्य कथा हो तीन ओडिया पारा बैडमिंटन खेलाड़ी सुरक्षित रही दीप रंजन विश्वई प्रमोद भगत जानते वर्तमान पूरा केवल पुरस्कार नुहे वर्तमान से भारत गोटे स्टार जी दिलेश्वर राव रही थे तो एमान समस्ते सुरक्षित रही गोटे उगांडार कंपाला सहर जो देखा मंगलवार सीरीज बोमा विस्फोरण होता है आंतर्जातिक पारा बैडमिंटन खेलाड़ी सेठारे थिबा भारतीय दलर सदस्य माने समस्ते सुरक्षित रही भारतीय पारा बैडमिंटन दल कंपाला हॉलिडे एक्सप्रेस होटेल रोते होटेल 100 मीटर दूर से सेठिकार समय जो देखा पूर्वाह्न प्राय 10:30 रे सीरीज बोमा विस्फोरण होता सेतेबेले केतक भारतीय खेलाड़ी स्टेडियम को मैच खेल जाते अन्य खेलाड़ी मैंने होटेल थे किंतु निरापत्ता दायित्व अधिकारी माने सुरक्षित भाव बस खिलाड़ी को होटेल रु स्टेडियम को नेबारे सहायता करछन्ते भारतीय दल रे तीन ओडिया खिलाड़ी सामिल होछन्ते से माने होछन्ते जेमती कि कमलाकांत पूर्व कहते दीप रंजन विश्वई प्रमोद भगत जी दिलेश्वर राव एमाने मध्य सुरक्षित रही किसी क्षति हो जमापड़ी तेरे से माने सुरक्षित अच्छी चिंता से माने सुरक्षित अच्छा चिंता करार कि ना विशेष किसी अनुभव करना कि समयपाई हईचई सृष्टि आम समस्ते सुरक्षित अच्छे खिलाड़ी मैंने परवर्त खबर जोटा कि गत काली राज्य सारा चर्चा रही था सेटा होची ऑनलाइन रे जौन शोषण मामला वर्षक 400% वृद्धि होती खास करके राज्यवासी चिंतार कथा जो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन छाड़ू ऑफलाइन क्षमा करेंगे जहाँ
जदि देखिबा ऑनलाइन रे जो एसु बढ़ु छि क्राइम बढ़ु छि ताकु ने मध्ये चिंता जाहिर करा जाउ छि निश्चित भाव रे कमलाकांत कथा आसु छि जेते बेले सबुठु सेंसिटिव पार्ट कथा गुआ जे सेते बेले पिला माने खास करी अभिभावक पिला माने केमती सठिक दिगरे शिक्षा दीक्षा पाइबे संस्कार पाइबे आगो को बढ़िबे एति पई समस्त चिंतित थांती सेति पई सब एफर्ट लगांती किंतु कथा आसु छि जेहेतु कोरोना समय थिला पिला माने ऑनलाइन रे पाठ पढ़ुतिले पिला मानक हाथ रे 24 आवर स्मार्टफोन दिया गला पिला माने स्मार्टफोन रे रहिले तो कोठि ना कोठि यार फायदा उठाइले ऑनलाइन रे जो माने किछि दुर्बुत अछंती जे जो माने एभली पिला मानको ब्लैकमेलिंग कले मेसेज बा से मानको फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाई चंती पिला माने जदी एक्सेप्ट करू चंती ताहाले तांको ब्लैकमेलिंग करा जाईथिला एवं जोथि पाई के ऑनलाइन रे से मानको जौन शोषण रो शिकार हबा पाई मध्य कथा आसिला एवं को कथा आउची ये कथा एतबेले सामना को आसिला जेतबेले सीबीआई ये कथा को तदंत करूथिला सेतबेले कथा बा चित्र सामना को आसिला जे मामला रे सीबीआई ओडिसा समेत देशव्यापी 14 राज्य रे चढ़ाव करबा परे चांचल्यकर तथ्य पदा को आसीथिला शिशु को ब्लैकमेलिंग करी सेमानको अश्लील फोटो वीडियो तयारी करी सोशल मीडिया रे वायरल करूछंती जौन पिपासु दलाल एहा बदले रे सेमाने लक्ष लक्ष टंका रोजगार करूछंती जहां शिशु को विपद रे बर्तमान एटा त गो गुरुत्वपूर्ण कथा थिला ता सहित चर्चा रहितला ढेंकानाल कारण सीबीआई अधिकारी को माडर अभिजोग आसीला एवं तार विजुअल निहाती बारे सारा राज्य में चर्चार विषय पलटि विप्लव रही प्रतिनिधि अधिक आलोचना विप्लव गत काली पूरा राज्य में हईचई सृष्टि करते सीबीआई अधिकारी को आक्रमण होता हाँ निश्चित भाव में देखो कमलाकांत जदि कह तेबे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर लिंक मामलें कल ढेंकानाल जुबुल टाउन रे युवक संप्रति रही है सुरेन्द्र नायक हठात कल दिल्लीर गोटे टीम और भुवनेश्वर मिलित भाव में छह जनिया सीबीआई टीम पहुंची घरे चढ़ाऊ आरंभ करते प्राय सका सतटू आरंभ कर तीन टा जाए चलता तेब जेहेतु पर लोकर कहारे जेहेतु से पिला बंद कर पचरा उचरा जारी रखी से विषय कौन ना पाखे कि मैंने बुझीपार घर लोक साई बढ़ा तेरे से कबाट खोली से सीबीआई को मध्य प्रश्न पचारे और घटना उत्तेजनामूलक देखा जापरी होता कि जे सीबीआई अधिकारी मान साई बासिंदा और स्थानीय लोक मैंने आक्रमण करते तेरे ए संपर्क में टाउन थाना पाखे कौन सूचना था टाउन थाना पुलिस सेठे पहुँची से उद्धार कर सीबीआई टीम को उद्धार कर जो जो लिंक जो सुरेन्द्र नामक नायक नामक जो पिलाटी रही था टाउन थाना को आनी जदि कह सुरेन्द्र नायक जी रही तार जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामलें लिंक रही से विभिन्न वेबसाइट रू विभिन्न लिंक गुड़ाक डाउनलोड कर से ह्वाट्सअप ग्रुप बनी और टेलीग्राम रू से डाउनलोड करा जनापड़ी विभिन्न ह्वाट्सअप ग्रुप से आडमिन रही से गुड़ाक सेयार करूला और सेयार करने द्वारा से अमेरिकी डॉलर मिलता और से आडमिट कर सब कम करी जदि कह तो प्राय तार जो अकाउंट रही है गोटे सेंट्रल बैंक रोटे अकाउंट रही है से प्राय $21 टाँचा पाखक आसी तेज बर्तमान जदि कह तेज सीबीआई टीम तक गिरफ्त कर आगे बर्तमान कार्यानुषान कौन होता देखा बाकी रहा निश्चित भाव में विप्लव अति चिंतार विषय जे एभली कामरे मध्य युवक माने नियोजित होचंती आ खास करी शिशु माने यार शिकार होचंती जहां समस्त अभिभावक पाई मध्य एक चिंतार विषय बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव आपनकर तमाम सूचना पाई तबे कमलाकांत परवर्ती खबर उपरे नजर पकाय परवर्ती खबर आ गोटे चर्चार विषय थिला जेतेबेले प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उद्घाटन करथिले शक्ति प्रदर्शन करथिले 30 युद्ध विमान खास करके भारत पाई बहुत बड़ कहिबा जदि केवल जोगाजोग क्षेत्र नुहे सेठारे फाइटर जेट मध्य अवतरण कर पार जहाँ को लेकिन वर्तमान पाकिस्तान चीन मध्य निहाती चिंतार थे कारण ये रनवे केवल कौन दुईट जगह को जोड़बनी भारत पर गोटे रनवे यहाँ भाव काम कर 36 मास 340 किलोमीटर एक्सप्रेस वे निर्माण हो 22,500 कोटी टंका विनियोग जहाँ को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य समर्पित कर जहाँ को नहीं कि सारा देशर चर्चार विषय पलटि गत काली जदि देखा एक्सप्रेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका रवल एक्सप्रेस यूपी विकास एक्सप्रेस कथा नुहे जदि देखा पश्चिम एवं पूर्व उत्तर प्रदेश को जोड़ू आग को उत्तर प्रदेश जदि देखा यहाँ गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कर उत्तर प्रदेश विकास गोटे प्रमुख रास्ता पलट कार्यक्रम जहाँ रही सुल्तानपुर जिला दे जा एक्सप्रेस वे कथा जदि कह प्राय 3.2 किलोमीटर दैर्घ्य रही एयर स्ट्रिप करा
ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଗଗନ, ଗତକାଲି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଦେଶବାସୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନୁହେଁ ବା କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ରନୱେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି, ଖାସ କରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବି ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବେ। देखो निश्चित भाव कमलाकांत जो गाजीपुर लखनऊ को दूरता कमे ता नुहे अठी जिला या सीधा साल निर्भरशील रही आठट जिला एक्सप्रेस वे जाए ढंग से यार कार्य निर्माण कर मात्र 36 मस कम्प्लीट कर तेज निश्चित भाव सामरिक दृष्टिकोण कथा कहतु राजनीतिक दृष्टिकोण कथा कहतु विकास दृष्टिकोण कथा कहतु तीनो दृष्टि ये गत काली कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री को थिला ये बेस गुरुत्वपूर्ण थिला। आम देखी दिन तमाम राजनीतिक बयानबाजी जारी रही अखिलेश यादव मध्ये गोटे रोड शो बाहर करने प्रस्तुत होते जहां प्रशासन परमिशन दे ना सीधा साल से आलिगेसन आनी राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे आरंभ करी बर्तमान अधा अधूरा कम करपन कर सरकार जो मान रही खास कर योगी आदित्यनाथ प्रश्न करते जदि अधा अधूरा कम थे फाइटर जेट कि भाव लैंड कला और शक्ति प्रदर्शन कला और प्रधानमंत्री को निज हेलिकप्टर से लैंड कर तेनालीरु स्पष्ट होता गत काली जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनॉग्रेशन करागला ता निश्चित भाव राजनैतिक दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में कैसे गुरुत्व बहन करती कहीं मात्र आन चार निर्वाचन रही पूर्वांचल कथा देखिए कमलाकांत पाखापाखि 28 जो जिला रही 28 जिलार 164 आसन रही विधानसभा 164 आसन पूर्व इलेक्शन कथा जी आप विचार को ने पूर्व इलेक्शन में 117 सीट केवल बीजेपी हाथ को जाता मात्र 15-17 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हाथ को मात्र 2 सीट जाता तेणु राजनीतिक दृष्टिकोण यार विशेष गुरुत्व था गत काली कार्यक्रम और से ढंग से सामरिक दृष्टिकोण अनेक गुरुत्व बहन कर कहीं प्रधानमंत्री जो जो फाइटर जेट से जाते से लैंडफल कर आगामी दिन में आवश्यक पड़े अनेक आम जो युद्ध विमान रही एयरस्ट्रिप हिसाब से व्यवहार करें तेणु उत्तर प्रदेश विकास गोटे माइल खुंट छुई ये निश्चित भाव एक्सप्रेस वे बहुत गुरुत्व बहन था जोटा कि इनॉग्रेशन कराई कहीं देखिए 28 जिला जिते सीधा साल राजधानी लखनऊ सहित संपर्क स्थापन करेंगे तेणु कृषि क्षेत्र हौ इंडस्ट्री क्षेत्र हौ समस्त बेस गुरुत्व बहन करेणु ये प्रकल्प इनॉग्रेशन कराई तेणु या राजनीति हवा स्वाभाविक कथा जोटा कि दिन तमाम गत काली बयानबाजी जारी रही या समस्त कथा को प्रधानमंत्री खंडन करते सीधा साल से मेसेज देते विरोधी दल मान को दिल्ली हौ बा लखनऊ हौ यदि परिवार बाद को से सीधा साल तेर्थ बाड़ मारे प्रधानमंत्री जे परिवार बाद थिला से कनेक्टिविटी को गुरुत्व दे न तेणु ये प्रधानमंत्री जो मेसेज थिला ता निश्चित भाव आगामी दिन में हुए तो लोक मान को छुईब ये एजेंडा नहीं निश्चित भाव गगन खाली जे यहा राजनीति एवं खास कर राजनीति फायदा नुह कथा हूँ जे वास्तव भाव में जी देखा जा राज्य कथा कहतु उत्तर प्रदेश कथा कहतु एवं सारा देश ये अधिक बेनिफिट जोगाइब जो कि जेहेतु आग को उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन रही कौटिना कौटि ये हूँ जे एक बड़ सफलता आण सरकार आशा कर बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचनापी तबे कमलाकांत परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा परवर्ती खबर जहाँ सबुठ चिंतार विषय जे 21 मस अशिखी ना आदिवासी छात्र छात्री जहाँ खनिज समृद्ध केन्दुझर जिलार शिक्षार विकल चित्र सामना को आसुची जे प्रथम श्रेणी में नामलेखा है खड़ी छुईला नुआ पोशाक पिंधि खुशी से स्कूल गला हेले श्री अक्षर अशिखा आगर स्कूल रे ताला झुलीगला एमती बीतीगला 21 मस सिलटे गार पड़नी एपटे किंतु प्रथम द्वितीय श्रेणी को डे सारे गीतांजलि महांत खणी समृद्ध केन्दुझर जिला बांसपाल ब्लक कोड़ीपोसा ग्राम पंचायत अंतर्गत कुंडेई गाँव में यह हूँ शिक्षार विकल चित्र विकल चित्र सामना को आसुची ए बाबद आलोचना करवा आम सहित मास्टर शरीरम आम प्रतिनिधि जोड़ी होती मास्टर शरीरम सबुठ चिंतार विषय जो पिलाने नुआक स्कूल जी बोली स्कूल पोशाक किणी पूरा प्रस्तुति आरंभ कर सारी कि शेष में देखूँ लकडाउन कोरोनापी 21 मस स्कूल बंद रहा पाने पाठ पढ़िलानी पाटे आज पर्यटन अशिखिनाई कि कथा जे वर्तमान श्रेणी में से कृतकार्य ऊपर श्रेणी को गला कौटिना कौटि ये सब चिंतार विषय निहाती भाव देखु ये जो कोरोनापी जो स्कूल बंद हो गला सबुठ मुख्य समस्या है केन्दुझर जिला एक आदिवासी बहुल जिला एवं आदिवासी बहुल जिला जो उपात अंचल अच्छी से जगह नेटवर्क ठीक भाव में ना एणु मोबाइल नेटवर्क नथिबारु
ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କେବଳ ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଠି ସିନା ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ପାଇବ, ତାପରେ ସେମାନେ ନେଟୱାର୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଘର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଦେଲେ ସ୍କୁଲ କେତେଟା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିଲେନି। ଏବଂ ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ରେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯଦି ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ଯେଉଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣିବା ହିଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଏଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବା କ୍ଲାସ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କ୍ଲାସରେ କେତୋଟି ପିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍, କେତେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ଯୋଡ଼ାଯିବ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାହେଲେ କେମିତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିଚରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଇଏ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କଥା, ଖାଲି ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଦେଲେ ହେବନି, ଖାଲି ହେଉଛି ସେ ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିକି ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ମୂଳରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକର ଘୋର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କେବଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଖାଲି ହେଉଛି ଭିତର ଜିନିଷ, କେବେ ପଦାକୁ ବାହାର କରନ୍ତିନି, ସେ ଖାଲି ମିଛ ଦିଣ୍ଡିବା ପିଟିବା କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶତକଡ଼ା 100% ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସହର ମଧ୍ୟରେ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ନଜିର ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଶତକଡ଼ା 100% ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟର ଶରଣମ ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ସେ ନେଇକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିନେଇକରି ଅଭିଭାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ପିଲାମାନେ 21 ମାସରେ କିଛି ବି ପାଠ ଶିଖିପାରିଲେନି, ଯାହା ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଡେଇଁ ଚାଲିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଷ୍ଟର ଶରଣମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛି ଯେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ରୋକାଯାଉନି। ଯଦି ଦେଖିବା ଲିଜ୍ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଖଣିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି, ବର୍ଷକର ଟାର୍ଗେଟ 15 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। 3 ମାସରେ ଥରେ ମାପଚୁପ୍ ହେବା କଥା ଯେ କେତେ କ'ଣ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି, ମାପଚୁପ କରାଯାଉନି। ଯଦି ଦେଖିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ 980 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଖନନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାସକୁ 4,000-5,000 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଖନନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକରେ 980 କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 4,000-5,000 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଖନନ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଖବରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖଣି ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁଛି ଏସବୁ ଖବର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ବି ହରାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଭାଗୀୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ କେହି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଖବର ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ଆଗକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ହସିଲେ ବାଡ଼େଇବି ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ।
आज सिमला में समस्त राज्यर बाचस्पति बैठक करेंगे प्रधानमंत्री ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस रो 82वां शतवार्षिकी को स्मरणीय करने को बैठक बाचस्पति ओम बिर्ला अध्यक्षतार बसिबो बैठक। पर्व पूर्वर सिख समुदायर श्रद्धालु मोदी सरकार बड़ उपहार आज खोल करतापुर साहिब करिडर ट्वीट करी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सूचना कहले निष्पत्ति श्री गुरु नानक देवजी एवं सिख समुदाय प्रति मोदी सरकार अपार श्रद्धा को दर्शाऊ। शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना निर्दिष्ट समय भितर तदंत सारे हाइकोर्ट द्वारस्थ है ममिता पर गृह सचिव डीजीपी बलांगीर जिलापाल एसपी को पक्षभुक्त करने को आवेदन सिंधेकल आईआईसी को मध्य पक्षभुक्त करने को आवेदन। आज अंधार हो पारे ब्रह्मपुर सहर दीर्घ वर्ष धरी ब्रह्मपुर महानगर निगम विद्युत बिल पैठ न करिबारु विद्युत काटिदे टाटा पावर धमक बकेया रही 7,65,00,000 टंका सहरवासी असंतोष। भर्चुआल एकाठी हेले जो बाइडेन और जिनपिंग उभयों मध्य तीन घंटार आलोचना अनेक प्रसंगे सहमति आहरी अनेक प्रसंग रहीगला बिवाद रे ताइवान प्रसंगे अमेरिका को चीन रा जवाब नियारे खेलिले पोड़ीजीव हाथ। आज पंचुकर तृतीय दिन सह बड़ ओषा कटक धवलेश्वर पीठ से बड़ सिंहार बेश दर्शन देउछन्ते ठाकुर कोरोना संक्रमण दृष्टि भक्तों दर्शन मना मंदिर परिसर में 144 धारा जारी सेपटे पुरी रे त्रिविक्रम बेश दर्शन देउछन्ते श्रीजू। एवं आज भारतीय क्रिकेट रे रोहित राहुल जुग राजस्थान रो सवाई मानसिंह स्टेडियम रो शुभारंभ न्यूजीलैंड सह टीम इंडिया रो प्रथम टी20 टक्कर। तबे चिन्मयी जोटा को आम सब दर्शक अपेक्षा कर रही थे आम द्वितीय पर्यायर आम सहित जड़े अतिथि जोड़ी होती तेज बर्तमान आपण मैंने देखिपे जो मैंने पर्दा पछे रही आम सामने मध्य रही कैमेरामैन भाई मैंने रही जो मैंने आपखक ये दृश्य पहुंचाऊँ फिल्ड में कम कर कैमेरा पक्षर हिरो से जो हिरो बर्तमान आम सहित जोड़ी होई चंती। हाँ अनेक समय रे स्क्रीन रे जो माने आसंती लोक से मानको चिन्ही थांती किंतु स्क्रीन पछरे मध्ये अनेक लोक रही थांती जहां को भूमिका सबुठो गुरुत्वपूर्ण तबे आम सहित आज जे रही चंती से भली जने व्यक्तित्व से होचंती सिनेमा ऑटोग्राफर मनोज कुमार खटी आम आज सतेज सकाल अतिथि अछंती श्रीजुक्त खटी आपनको सतेज सकाल को स्वागत। थैंक यू। केमती फील करछंती? बहुत भलो। अच्छा तबे श्रीजुक्त खटी आज आम सहित अछंती गोटे प्रश्न प्रथम आपण रे सब बड़े स्क्रीन पछरे किंतु केबे स्क्रीन आगर नायक हाँ चेस्टा कर आसी तो प्रथम मनोज जेहेतु बहुत दिन पर आपा फेरी जहाँ आम शुणल तो प्रथम कथा कह मायनगिरी बर्तमान गोटे बड़ ना हेकु जानेक सुपर डुपर हिट फिल्म आपड़ ता पछरे मेन हिरो कहकु गले कारण देखा कैमेरा जदि सुटिंग ठीक न रे से फिल्म भल करनी हिरो हिरोइन भी भल दिशेनि तो आगे टी कहीदिं बर्तमान आपंकर जो प्रोजेक्ट रही जहाँ शुणु नेटफ्लिक्स गोटे रही माधुरी दीक्षित सहित रही तो आम दर्शक मानक प्रथम से दिखुतापुर आपको पर्सनाल लाइफ विषय में कथा नेटफ्लिक्स एक्चुअली प्रोजेक्ट आरम्भ 2019 बिकज पैंडेमिक भितर बंद हो जाता देन वी फिनिश द प्रोजेक्ट एंड इट प्रोजेक्ट इज रेडी टू लाइक नो डेलीवर तर अलमोस्ट काम सर सारे बहुत टेक्निकल ट्रायल चल बिकॉज नेटफ्लिक्स इज प्रेजेंटिंग दिस फिल्म 200 कंट्रीज वन टाइम सो इट विल बी ऑन स्क्रीन आई थिंक 2022 जनवरी सो दिस इज द वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी बीन डन देन आउ गोटे मत नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट अलमोस्ट अंदर 3-4 डेज पेंडिंग वर्क दैट इज कॉल्ड मिसमैच 2 इज क्वाइट एंगेजिंग लाइक नो एंटरटेनिंग फॉर यूथ तो मुझे देखी प्रथम सीरीजटा बहुत भल लगी एंड माय गुड फ्रेंड डायरेक्टर आकर्ष वाज डूइंग द सेकंड सीरीज
So somehow they also come together for the second series, and we really enjoyed the whole process of that making season two a mismatch. And it's quite fun with working with all the youngsters, and they're the influencers in fact. So that is another project which has already been done, hardly 2-3 days pending work is there. So that also coming in 2022. But Abhi, right now I'm working on a project with Suraj Barjatya for Rajshri film. Yes. The film name is Unchai. And it's a star cast, you can say, like Mr. Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani, Danny Danjopa, and Pariniti Chopra, and Sarika. Film so, character kemti kon achi? It's about friendship, about like, you know, the contribution of our society, how the friends and the family. Generally, what I'm trying to speak in Orisha, but kabhi kabhi problem hi hoti ki influence ha. Comfortable. तो ये डा चार डा सांगो से माने. And तो डैनी डैनी पे उसने नेपाल रो. But से पढ़ी की बड़ाई चंदी दिल्ली रे. And they are very close friend. And Amitabh Bachchan is the one of the character, you can say, he is very rich. So Danny Danjopa comes from a like, no, army background, and he's from Nepal. Then the other characters are like Anupam Kher, and is like very rich and very old tradition. And Boman Irani is he's a Muslim friend. So it's about their friendship. So they plan something and some incident happened, how they carry, like, no, when become old, the family rejects, like, no, they don't took those decision of elders. उनको लगता है कि इनकी अभी जरूरत क्या है, तुम्हारा decision old है. So how they fight those odd and try to prove that कि age is not a barrier for anything. निश्चित आपरे मनोज बाबू आपण अल्टीमेटली के खाली एटा भी प्रथम थरा बोधे रिवील करा गला एक माने ए जो आपण कहउछंती बहुत दर्शक माने जानथुए जे एई फिल्म टा आसुछि तार कहानी ए ए बडा रहिछि तो चिन्ह आ गोटे क्वेश्चन मोर राजश्री प्रोडक्शन ना जेतु आसिला जेतु मोर से बहुत फेवरेट आपणकर बे निहाती फेवरेट थिबो बहुत जणकर इच्छा थाए जे बहुत बड़ बड़ प्रोडक्शन रहिछि किंतु राजश्री प्रोडक्शन गोटे खास तार रही थाए तो आपण जेतु काम करि सारछंती टिके एक्सपीरियंस कोंतु कारण मु जते भी पुरणा डायरेक्टर कथा कोंतु कलाकार कथा कोंतु राजश्री प्रोडक्शन गोटे खास तार स्थान रहिछि आपण जेतु काम करछंती टिके एक्सपीरियंस शेयर करबे. बिल्कुल आई थिंक मो कैरियर सब बेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर इज राजश्री फिल्म एंड सूरज बरजत्या सर. इट्स ए काइंड ऑफ फैमिली, दे क्रिएट दैट एनवायरमेंट, दे मेड द फिल्म फॉर फैमिलीज एंड दे डोंट हैव सच लाइक नो इफ यू वांट एंटर टू देयर प्रोडक्शन इट इज ए लाइक नो होम फॉर यू. इट्स नॉट लाइक यू आर ऑर्डिनरी पर्सन. Every like steps that keep like to taking care of each and every member, not that ke I am HOD, they prioritize me, no. The last person and the crew also, they're taking the care of me. So I think the humanity, you can say, the kind of honesty, the kind of bonding those people have in their production and their as a person, I never seen from anybody. निश्चित भावे एटा सब कर्म क्षेत्र रे हबा मध्ये आवश्यक कारण जो जे कोनो से कर्मचारी हो तो किबा सेटि जो क्रू मेंबर माने थांते से माने गुटे बॉन्डिंग रहिबो जदि काम रे सेति इंटरेस्ट आसी ओतर आउटपुट टा ही आसीबो जोठी अपन स्क्रीन रे ही रिफ्लेक्ट हबो. बहुत सुंदर कथा. तबे मनोज बाबू जानबा पई चाहिबो जेमति अपन खास करी अनेक प्रकार तो माने सफलता रो पाच गुटे पर गुटे चढ़ी चली छेंती खूब सुंदर माने कय गले पूरा टॉप लेवल को जाउ छेंती किंतु कथा जे सिनेमा ऑटोग्राफी आपण जो करछते काहे की चूज करले बॉलीवुड को हॉलीवुड को काहे की नै चूज पै से थोड़ा ऑप्शंस मो पाखे थिला की आइदर मो ओडिसा रहबे नले मो बाहर के जेबे. बट समहाउ इन लाइक इन माय माइंड माय ड्रीम वाज सो बिग आई डोंट थिंक सो आई कैन कोप अप विथ दिस स्मॉल प्लेस टू लाइक नो टू लर्न दोस टेक्निक्स एंड टू ग्रो. सो आई थॉट आई विल गो देयर and learn, then I'll back to my place and prove those that ki I'm not bada kata exactly nihati out ke grow karira pare apan ka jo talent achi odisha basi madhya dekhi pa darkar se mane nihati bollywood film jariya dekhu chanti kintu odisha re bi jo man roi chan saman ko bi nihati fayda hobo mane sab sahi katha je saman katha ko asibi sei pe pachali je khas kori jo mane cinema autograph re
ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକ ବେଟର ହେଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାହିଁ ମୋତେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଲିଉଡ଼କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲେ କିମ୍ବା କ'ଣ ସେଠି ହେଇପାରିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ମି? ଜିନିଷଟା କ'ଣ କି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶିଖୁ ବଟ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅବିକା ଜେନେରେସନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବି ଗଲା ବି ଇଜ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍ ଦାଟ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି, ବିକଜ୍ ୱେନ୍ ୟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ସମଥିଙ୍ଗ ସମୟର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ସୋ ମେନି ଷ୍ଟେପ୍ସ, ସୋ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦାଟ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ସୋ ଦାଟ କି ୟୁ ଆର୍ ରାଇଜିଙ୍ଗ and you are capable to rise. That is the whole effect of going ahead. So when you're coming down, it's easy because you know the steps already been. But when you try to jump that space, sometimes you can jump by some other medium. I can't tell you exactly how the story was. Exactly. Huh. But if you jump, might be the place you landed, you don't know. You might be go down. So there are so many obstacles, so many problems in that process. But if you really enjoy those and take time, and definitely one day you will achieve whatever you want. ନିହାତି ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ରେଫରେନ୍ସ କାମ କରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ମାନେ ଖାସ କରି ରେଫରେନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦାଟ ଇଜ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲାଇକ୍ ନୋ ଲର୍ନ ଦାଟ କି ମେରା ରେଫରେନ୍ସ ମେ ମେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚ ଯାଉଙ୍ଗା। ତୁମରେ ବସ୍ ସାୟଦ ଏକ ଖୁବସୁରତ ମତଲବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବଡି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ୟୁଜଲେସ୍, ମାନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାର ବି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଥାଏ, କାରଣ ତମେ ସେଟା ତମେ କଷ୍ଟ କରିନ ନା, ସମବଡି ଡିଡ୍ ଦାଟ ଫର ୟୁ, ସୋ ଦ ଡେ ୟୁ ଡୁ ଦାଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଫର୍ମ ଦାଟ ଓକେ ଇଟ୍ସ ଫାଇନ। ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଥା ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୂଳ ମୂଳଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ହେଇଥିଲା ବାଇ ଫ୍ଲୁକ୍, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ମୋର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା କି ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏତିକି ନଥିଲା କି ହଁ ଏଠି ଗଲେ ଆଇ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ବିକଜ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଗଟ୍ ଦ 18 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବିଗ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ହାର୍ଡ଼ଲି ଦେର୍ ସମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିପୁଲ, ତ ଉସ୍ମେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଅଙ୍କଲ, ସୋ ଓ ଥଟ୍ ଦାଟ କି ଆଚ୍ଛା ୱାଇ ନଟ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ସୋ ମାଇଟ୍ ବି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟଡି, ସୋ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଦେ ଜଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ମି ଅନ୍ ସମୟ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛି କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ନୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ସ ଟୁ ଆୱାର୍ ଟିଚର୍ସ, ଏସବୁ ହେଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ସାହୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ହି ଇନ୍ସପାୟର୍ ମି ଲଟ୍, ଆଣ୍ଡ ହି ଗିଭେନ୍ ସୋ ମଚ୍ ଲାଇକ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଲେଜ୍ ମାଇଟ୍ ବି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ କି ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତା'ର ଅଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ନାଓ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ କିପ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ କି ଡୋଣ୍ଟ ରନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମନି, ଦ ମନି ୱିଲ୍ ରନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ରନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁର ସକ୍ସେସ୍, ଦ ସକ୍ସେସ୍ କମ୍ ୟୁ ଅପ୍ ଟୁ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ। ସୋ ଜର୍ନି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲି ମୋତେ କିଏ କରିଦେବ, ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲ ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଧରିକି ଚାଲୁ ବମ୍ବେ, କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ବମ୍ବେ ଦେଖିନି, ଟ୍ରେନ୍ରେ କେବେ ବସିନି, ସୋ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଜର୍ନିଂ ଆଇ ରିଅଲି ଏନ୍ଜୟ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ। ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଏ। ସକ୍ସେସ ସକ୍ସେସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମିଳିଗଲା ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ନୋ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଅଲି ଏନ୍ଜୟ ଦୋଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ସ ରିଅଲି ଲାଇକ୍ ନୋ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଓକେ, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ କି ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ
I am never satisfied. Bollywood ro agrani cinema autographer bhabe janasuna odia cinema autographer Manoj Kumar Khote am sahita roichanti tanga sahita ame alochana kurche lagatar bhabre tebe Manoj babu jemte ame katha uthile je khas kori apana bartaman Bollywood ko choose kale setare nijara parichoy madhyo srushti karuchanti ebong anek film taiyari karibare madhyo apanankar gurutwapurna bhumika roichi ya bhitare katha asuchi je ame katha uthile Bollywood industry katha ebong katha bhitare ye prashna manuku asuchi je जड़े जदि आम ओडिया खास करी जदि देखिबा समस्त माइंड रे ये थाए जे कैमरामैन जे खास करी हुए तो से प्रोफेशन को बहुत पिला जीबा पाई मध्य चेष्टा करती ना जे सेठी बोधुए गले मते सेते सक्सेस मिलिबनि किंबा मते सेमते किछि बड़ चेहरा है कि मु दुनिया रे दिने ठिया हेबे नै एमते अनेक लोकक मन रे मध्य रहिछि किंतु वर्तमान जेनरेशन चेंज होछि आपण देखंतु पिला बहुत फोटोग्राफी आड़ को मुहाउछंती एवं समस्त गोटे ताको पैशन और प्रोफेशन करबा पाई मध्य लागिलेनि या भीतर आपण कोन लागुचे खास करी जदि नुवा युवक माने जो माने चाहूतिबे जे ना याकु नै के प्रोफेशन करै हम आगो को बढ़िबो सेमान को आपण कोन सजेस्ट करबा पाई पे चाहिबे सेटा द डेफिनेटली डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी ये दैटा बहुत जरूरी एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंसली वेट फॉर द राइट टाइम बट आज के तरीके देखे गले एवरी हाउस एवरी मेंबर हैज ए मोबाइल फोन एंड एवरीबॉडी क्लिकिंग पिक्चर सो बाय डिफॉल्ट दे ऑल आर फोटोग्राफर एंड देन मेकिंग रील्स दे मेकिंग वीडियोस सो विदाउट नोइंग एंड अननोइंगली बिकेम फोटोग्राफर दे हैव दोज एबिलिटी एंड दे नो व्हिच एंगल दे लुक गुड सो समहाउ लाइक नाउ टेक्नोलॉजी वाइज एवरीथिंग वी हैव बीन दैट एज दैट की एवरीबॉडी नोज व्हाट इज फोटोग्राफी बट सिनेमाटा इज समथिंग इट्स वेरी स्पेसिफिक So, like when somebody wants to be a cinematographer, it's not an overnight process. You have to patiently learn each and every step. Because when you do a film and something, we differentiate the character. So, every character, every scene has a different mood. Kabhi khushi hota hai, kabhi gum hota hai, like kind of space. So, we have to create those things on screen. And it is a task, you have to learn how to do it. It can't be like, no, mujhe aata hai, nahi hota hai. नहीं आता है तो फिर तुमको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा यू हैव टू फॉलो सम रेफरेंस सम एंड सी हाउ द प्रोसेस हाउ इट बीन डन ये सब के लिए टाइम लगता है एंड इफ यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव और एक कथा मध्ये कह जे मनोज बाबू जे कैमरा पर्सन कर आखी टिके भिन्न थाए आम मान कठारु आमे जोटा को जो भली हमको सुंदर देखा जे तांको सुंदरता तांको आखी टिके डिफरेंट है और टिके हाई लेवल थाए एब्सोल्युटली बिकॉज़ क्या होता है कि बाय द टाइम व्हेन यू बीन अ सिनेमेटोग्राफर यू स्टार्टेड रीडिंग द फेसेस So when I'm reading the faces, I know exactly how to light your face. वो सबके लिए एक लाइट में काम नहीं कर सकते मतलब यू हैव टू बी डिफरेंशिएट अदरवाइज क्या हो एवरी फेस हैज डिफरेंट किसी का थोड़ा अलग शेप होता है गोल होता है किसी का स्ट्रेट होता है सो लाइक एवरी फेस यू हैव टू डिफरेंशिएट हाउ टू लाइट अप सो सच ए ब्यूटिफुल वे दे शुड लुक गुड सो आवर जॉब इज नॉट दैट टू मेक एवरीबडी लुक गुड यू हैव टू कीप द कैरेक्टर कंसिस्टेंसी सो द कैरेक्टर शुड बी जस्टिफाई दैट कि ओके And people shouldn't feel that it's a cinematography so beautiful. No, it should be part of the subject. So whatever films you do, it's a backdrop. Our job is the backdrop should be correct. Hum jahan pe khade hain, like if you take an example in the sea beach, Puri sea beach, we're standing against the sea. And where the sun comes, where the sun set. So when you're showing that sun is rising from the behind the sea, so your camera is, you're getting frontal light. So your face will be little like no glamour. When the sun is the back, same time you'll be little silhouette. So those things have to make feel to the audience. Then you just like no justify your job that ki okay. People should feel that kind of experience. Okay, I'm seeing a sunrise or sunset. जो camera work हो ची ताप हो छरे math भी हो ची science भी हो ची आउ कितने पाठ बढ़े कहना जिद देखे ओडिशा भी खास करके बहुत समय मुंह देखी ची नीचे नीचे कैमरा बाला ए भली वार्ड भी यूज करा जाए जे ताको उड़े मन देखो दी जस्ट कैमरा हाथ रह ची माने सी खाले क्लिक कर ची सी वीडियो शूट कर ची ताप हो छरे इतने जिन्स रह ची इतने कॉस्ट रह ची इतने साइंस मैथ रह ची मुंह भावु ची बहुत जन जो माने याकू कैरियर करे पे चाहूं थी आउ जो मन जानी नहीं आती नहीं आती वो से मन देखो तो जे कैमरा हाथर धरिबा केते कष्ट एवं या पछरे केते माने पढिबा को भी पढिबो एते सहज मध्यम हे तबे मनोज आ गोटे कथा अपन फिल्म कथा कहिले तबे कमर्शियल जोटा कि मुहावची फिल्म टू भी अधिक कष्ट कारण अल्प समय भितर बहुत किछि देखा पय पड़िथे तो आपनकर जदि जहां में देखुतुल आपन बहुत गुडे प्राय हजार पाखा पाखी कमर्शियल करि सारि छथि तो तार एक्सपीरियंस टिके कोंतु आ को जदि आमे ना भी दर्शक माने जान नथियो कारण आमे होय तो टीवी रे देखुतु किंतु जान नथु ता पछे मनोज रहिछन्ति नै नै इफ यू सी एनी कैंपेन लाइक
Kalyan Jewelers. Haan. Now, last 1.5 year, 2 years, I have not been advertising because I have shifted to film and Netflix. So, that's why I could not get that much time to be involved. The Kalyan ka beginning all this campaign, if you see the Tanishq, the beginning, yeah, because there's so many things we've been done. Like, abhi toh mujhe bhi khud ko lagta hai what I did. There are such brands like Joya Lucas. So Kajal, till date, I think last commercial 6-7 months back, I saw that one. So there are so many campaign. Like every time you find some new campaign, they've been comes. Because usme kya hota hai ki when the actor celebrities come, they find somebody who can finish it quite fast with a good result. So usme kya hota hai, hum logo ko thoda mil jata hai ki chalo, we are in that. But sometimes you also finding difficulty not to work with celebrities because sometimes they never come. Like one example, Salman. Salman come. So those commercials will be like time taking. Achha. You know, like I saw a few things for Big Boss and that some chappal commercial. But kabhi aate hain, kabhi nahi aate hain. Unke mood pe hain. So even you block for 3 days, you are shooting with a buddy double type. Jadi Salman ka suno thi bhai nahi bujhi to mane bujhi pa ke Salman ka dekhi bhai nahi jadi bhi ko sab ne jane le tabre interview nabe gala pura tikke mu chahi bhi jo tikke apan tips de diyo kana jadi ke odia industry bhi bahut jana advertise karchanti mu odia actor se to shoot karchi ne buti ko jo mane amar average katha achita se to ek biscuit commercial tha I think Mary Gold jadi koi ba advertise katha koi ba bahut samare abhijog ase je odisha re advertise ro stor sete bhalo nahi तो ए सुजोग हाथ छड़ा करी जो माने देखु थे वर्तमान किसी टीप्स निंतुँ केमती कमर्सील एत छोट कथा नुहे तो किसी टीप्स है जो आम जो देखुं आपन को नहीं नहीं लोक भाविया दरकार ओडिशा कि बॉम्बे द कैमरा इज सेम द लाइट इज सेम इट्स बिहाइंड द पर्सन हु इज क्रिएटिंग राइट इट्स योर डायरेक्टर इज अ सिनेमाटोग्राफर द प्रोडक्शन डिजाइनर आई थिंक इट शुड बी मेंटली ग्रोथ ऑफ एवरी सेक्शन इट्स नॉट ओनली द सिनेमाटोग्राफर कैन डू सम मैजिक सो योर डायरेक्टर शुड बी इन दैट पेज टू डिलीवर नो If he doesn't have a vision, what the cameraman can do? Nothing. So cameraman will overpower to everyone. So that way, I think everybody, it's a mutual, because film is always a mutual contribution of every section. See, like you have very good lighting camera, but your costume is not good, the makeup is not good. So see, they are also important. So everybody is have a equally and important. So cameraman is the last person who took all this opportunity and to deliver okay. निश्चित भाव में समस्त एफर्ट रहा दरकार समस्त गोटे क्रिएटिविटी मेंटालिटी जो समस्त रहा किसी गोटे नुआ बिल्कुल दर्शक मान को ए जिनसा ओडिया फिल्म में भी हुआ दरकार अच्छा बिकज कौन है ना बाय द पीरियड 70s 80s फिल्म ऑल द वेरी गुड लैंडमार्क फिल्म्स सो ब्यूटीफुल द म्यूजिक द फिल्म बट सडनली कौन है आई थिंक इज 90 के बाद ये सब दोज कमिंग फ्रॉम लाइक हैदराबाद ये सब आने के बाद दे डाइवर्ट द कल्चर अभी जो भाई फिल्म आसूची तार रिमेक कर सत्यानाश मतलब आई ट्राइंग टू सी सम ओरिया फिल्म इट्स डिफिकल्ट टू सी दिस व्हाई यू वॉच सच लाइक नो सबस्टैंडर्ड फिल्म्स लाइक जब इतने अच्छे फिल्म बन चुका है व्हाई यू मेकिंग सच थिंग्स कीप योर ओन क्रिएटिविटी ना कहीं ओडिया लोगों को ओडिया जिनसे दरकार ना तो आम कल्चर कहीं से थे राइट प्रॉब्लम तो अच्छी कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग रे स्टोरी रे आई थिंक दे शुड रीथिंक दे शुड रीडेवलप दोज टेस्ट्स आउ अनेक समय एक कथा मध्ये कहा जे मनोज बाबू जे साउथ इंडियन मूवी को मध्ये बॉलीवुड फॉलो करे बट वेरी वेरी फ्यू फिल्म्स बिकॉज कौन हुए कि बॉलीवुड कहा को फॉलो करे जोड़ा बेसी बिजनेस करे सो दोज आर बिजनेस मैन पीपल दे आर नॉट फिल्म मेकर्स दे आर डूइंग बिजनेस फॉर अ फिल्म सो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ गुड फिल्म देन यू स्टार्टेड थिंकिंग कि देयर इज नो गुड फिल्म ऑल द फिल्म्स आई हैव सीन इट्स जस्ट फॉर टाइम पास So it should be very balanced. Mane more, I'm not against of making any remake film, but find a balance to give other films also. No, every time you are taking all remake films and suddenly you find that we don't have your own origin. Aaj if you go to see any platform, there are so many good films from different languages. Why we are lagging behind that? निश्चिंत भाव एक कथा को मध्ये नै कि अनेक समय मध्ये आलोचना हुए जे हमें सब रिमेक टाइम करबा सो वी हैव टू क्रिएट लाइक नो वी हैव टू डेवलप आवर ओन टेस्ट वी आर ओडिया लाइक आमे ओडिया हमको ओडिया जिनसे करवार अछि बट वी हैव आवर ओन कल्चर वी हैव वेरी बिग ओडिया कल्चर व्हाई वी शुड लाइक नो लैग बिहाइंड कि किसी को फॉलो करने करो बट
dilute those, like, no, mix, blend it such a way. ए कथा को मु बते जदी पर्सनली देखिबा जे खास करी गीत गुडी को कथा को मु अनेक समय रे कुहे ए कथा जो सिंगर माने आसंती राइटर आसंती ए प्रश्न भी मोर थाए जे आमे जदी ओडिया रे गीत करू छे ताहले काहे के केवल ओडिया शब्द रे नहि काहे के सेतरे आमे इंग्लिश पुट करू छे काहे के हिंदी पुट करू छे ए कथा को भी अनेक समय सेत भी सेटा सबटु बड आई थिंक आई कैन से लाइक बिकॉज़ नाउ एवरीबॉडी एवरी विलेज यू फाइंड सो मेनी एजुकेटेड पीपल वी हैव लाइक school, college, everywhere. So now everybody knows that all language, that's not a problem. It's good. But in that you have to keep your Odia, no? Like Odia sata ko, Odia jinsa ta kariya sangare, Odia culture, Odia language, so mix kariya bahut jaruri. Because nahal kaun hoga na, only Odia, it will never be very like, no, good for something to, to some blending you need. बट सेटा क्रिएटिवली हवा दरकार सेटा टेस्टफुली हवा दरकार सो दैट कि पीपल शुड अट्रैक्ट तो आपण तो बहुत सेलिब्रिटी सहित काम करछन्दी बॉलीवुड रे तो किछि मेमोरी तो निहाती भाबर थिबो सेमति किछि खास मेमोरी रहै छि किछि बड स्टार को सहित आपण जेतल कैमरा पछर थांते सेमति किछि मेमोरी अछि जेटा कि हम दर्शक सहित शेयर करै पे चाहै छी सी मेमोरी को मते एबे भी काम करछि मेमोरी मतलब जोटा कि आपण मतलब सदाले मन रे बोल सेमति किछि इंसिडेंट सेमति सेमती बहुत सारे इंसिडेंट अच्छे बट आई प्रिफर टू लाइक हाँ मुझे कम कर आई फील दैट कि फॉर मी एवरीबॉडी इज क्वाइट इक्वल तो स्पेसिफिक कहते हैं प्रथम मुंबई गले के ट्रेन में बसी ना मैं से टाइप रखे आप कम स्टार्ट करते मैंने ये कैमेरा को लेकिन कम करते हाँ प्रथम जब सुट करी गोटे सेलिब्रिटी सहित It's quite long back. I'm trying to remember, but one of the incident it was with Katrina Kaif. Generally, kind of Bollywood heroines, they when they want to shoot some commercial, they always look. The cinematographer should be a firang, otherwise a very senior guy who can like no make glamour. Then they would shoot Astela, jota ki Sony Ericsson. I remember the phone also. The cinematographer and director had a fight just before the shoot, and he. लेफ्ट द तो से माने लास्ट मोमेंट मते डाक थले एंदा केबे कहि नथले जे का से तुम शूट कर छी त मो सेट रे पहुंचले देखला परे लाइटिंग में एवरीथिंग इज डन आई जस्ट नो क्या शूट करने हम ही कम से दिस स्क्रिप्ट इज कैटना है तो एक मोमेंट के लिए देन थोड़ा लगा कि यार ठीक है मतलब अभी क्या है अभी तो आ गया तो शूट करना सो दोज आर द काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स कभी कभी हो जाता है बट ट्रस्ट मी व्हेन इन फ्रंट ऑफ कैमरा हूएवर कम्स दे आर द स्टार फॉर मी सो आई नेवर थॉट दैट कि वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वो आने से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है इनफैक्ट किछ नै निजरो ड्यूटी ठीक करबे यस ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्ट दबर अछि से स्क्रीन सामने रे जे भी था उना एब्सोल्युटली निश्चित भाबरे खूब सुंदर लागिले आज आपण आसीले सते सकाल रो अतिथि हेले आ आपण को पाई कि मध्य हम दर्शक माने मध्य खूब एन्जॉय करथु अनेक गुडी कथा आपण को जानबा पाई मध्य मिलिला जे खास करी लोक माने जो भावंती जे कैमरा पर्सन से मानंकर खास करी कैमरा हां से किछि शूट करू चंती किबा फोटो उठाउ चंती किंतु या भितरे गुडा लॉजिक अछि आ निजरो गोटे कहबा को बोले क्रिएटिविटी माइंड दरकार जोटा क्रिएटिविटी रे आपण जो सनसेट सनराइज ए कथा सो मध्य कहले जे फोटो केमति क्लिक करबे ये सब कथा को नेकरे अंततः जो माने चाहुतिबे करियर करबा पई खास करी सिनेमा ऑटोग्राफी रे से मानको मध्य अनेक गुडे हिंट्स मध्य मिल सकतिबो बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आज जोड़ी हेले एवं आम सतेज सकाल रो अतिथि थैंक यू तेरे कमलाकांत सत्य सकाल अतिथि जमती दुईटी सेगमेंट थाए दुईटी एक सेगमेंट सरी आमको समय सत्य सकाल को रखु नमस्कार।